हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी। मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, वो भी मुझसे पूछते रहते हैं कि यूट्यूब पे काम करना मुश्किल है या आसान। आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि क्या यूट्यूब पे काम करना आसान है या फिर बहुत मुश्किल। मेरा जवाब सीधा सीधा, बात को बहुत ज्यादा ना घुमाते हुए, मैं सीधा सीधा यही बोलूंगी कि YouTube पे काम करना या फिर किसी भी एरिया में काम करना कभी भी आसान नहीं होता है। काम करना हमेशा ही मुश्किल होता है अगर आप उसको एज अ काम देखेंगे, अगर आप उसको इंजॉय करके करेंगे, आप उसको ट्रीट ही नहीं करेंगे कि मैं एक काम कर रहा हूँ या मैं एक काम कर रही हूँ। आप बस उसको इंजॉय करके, बस आप अगर आप गेम खेल के कभी बोर होते हो क्या कि गेम खेलना है और उसको एज अ काम, एज अ प्रेशर फील करते हो क्या कि मुझे गेम खेलना है? या फिर कहीं जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, जो चीज भी करने में आपको मजा आता हो, क्या आप कभी प्रेशर फील करते हैं कि ये काम है? एक काम की तरह आप उसको ना देख के आप उस चीज को इंजॉय करते हो तो उसको आप काम की तरह नहीं देखते। तो YouTube पे काम करना, जब आपने इसको एक काम का दर्जा ही दे दिया कि YouTube पे काम करना आसान या मुश्किल, तो ये तो बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आपने इसको काम से एसोसिएट कर दिया, काम वर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया, तो ये अपने आप में मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है सच में, क्योंकि आप इसको एज अ काम देख रहे हो, एज अ वर्क देख रहे हो। लेकिन आप इसको एज एन एक्टिविटी देखो, एज अ गेम देखो, एज अ टास्क देखो, एज अ पैशन देखो। जब आप वर्क से हटकर, काम से हटकर इसको एज अ पैशन देखते हो, एज एन एक्टिविटी देखते हो जो करने में आपको मजा आ रहा हो, तब चुटकी का खेल है यूट्यूब पे काम करना, सो कॉल्ड काम करना। मैं जब यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाती हूँ, मुझे मजा आता है अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। Sometimes it happens कि आप उसको एज अ काम देखते हो, बट क्या होता था, जब मैं बहुत जब छोटी थी तब से ये करती आई हूँ कि जब दोपहर में मुझे घर पे कोई काम नहीं करने देता था, घर पे कोई भी, आप किचन में नहीं जा सकते या फिर किचन में जाते थे, हमारी एक्चुअली जॉइंट फैमिली थी तो इतने ज़्यादा लोग थे घर में, आंटी मम्मी दादी सारे लोग थे, तो कोई कभी किचन में हमें काम नहीं करने देता था। हम लोगों को कहा जाता था आप लोग पढ़ाई करो। मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट था, वो मैं एज अ काम नहीं देखती थी, मेरा इंटरेस्ट था, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तो मैं दोपहर में जब सब सो जाते थे तो मैं किचन में जाती थी, तो मैं उस टाइम पे संजीव कपूर की रस्म रसोई और व्हाटएवर क्या नाम था, मैं भूल गई शो का, मैं वहाँ से फूड चैनल भी देख के जो भी रेसिपीज वगैरह देखती सीखती, मैं दोपहर में बैठ के बनाती रहती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था कुकिंग करना, इतना ज़्यादा मज़ा आता था, इतना इंटरेस्ट था, और बनाना, खुद भी खा रहा और सबको खिलाना, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे वो कभी काम ही नहीं लगता था, मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई काम है। इवन मेरी एक पड़ोसी थी जिनको मैं दीदी बोलती थी, उनके घर जाके मैं, दीदी प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए, प्लीज़ अपने घर में कुछ बनाने दीजिए, कुछ खाना बनाने दीजिए, वो कहती थी तुम क्यों, नहीं मैं कर लूँगी उनको, क्योंकि ऐसा काम लगता था कि ये काम है, इससे काम कैसे करवाऊँ। बट मुझे ये लगता था कि मुझे करना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे आटा गूंथना है, मुझे सब्जी बनानी है, मुझे रोटी सीखना है कैसे बनती है रोटी। तो मैंने एक्चुअली उनके घर पे सीखा खाना बनाना, क्योंकि मैं बनाती, वो परेशान हो कि बोलते अच्छा ठीक है तुम ले लो। इवन मेरी मम्मी से भी कंप्लेन करती थी, भाभी देखो ना, ये मानती ही नहीं है मेरे घर में आके खाना बनाने लगती है। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना बनाने में आलस आता है, उनको नहीं अच्छा लगता, उनको आप घर के दूसरे काम करा लो बट खाना बनाने को मत बोलो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में भी देखा है कि आप घर के दूसरे काम करा लो वो कर लेंगे, बट खाना बनाने में, किचन में जाने में, गैस के पास खड़े रहने में उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि किसको वो काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो जहाँ आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया, जिस चीज़ को करने में मज़ा आने लगा, उस चीज़ में आप कभी भी, वो कोई भी मुश्किल का काम आपके लिए नहीं होगा, वो बहुत आसान होगा।
सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जिस काम को करने में आपको मजा आता है उस काम को करना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। और जहां आपको मजा नहीं आ रहा है, जहां आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, उस काम को करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हमेशा ऐसा काम चूज करो जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, आपका इंटरेस्ट हो जिस फील्ड में, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट हो। फिर आप उसको एज अ काम नहीं देखते, फिर आप उस चीज को एंजॉय करते हो, आपके ब्रेन पे, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता और आपका काम भी होता रहता है। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी और आपका आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और सब्सक्राइबर्स प्लीज मेरा 10,000 का कंप्लीट कराओ जल्दी जल्दी जल्दी। सो 10,000 चैलेंज है, 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी 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 कंप्लीट करने हैं। और सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं अभी, आई नो कि इनिशियल स्टेज है, बट जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करो, उसको ऑल पे क्लिक कर देना। सब्सक्राइब करके बेल बटन जो होती है उसको ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।